हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय प्राइम क्लास चैनल। इस वीडियो में पीएचपी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीएचपी इज ए ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड एंड अपडेट ओरिएंटेड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरप्रेटेड का मतलब इसमें कंपाइलेशन नहीं होता, डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग मतलब यह जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और एग्जीक्यूट होता है सर्वर साइड पर। पीएचपी को जिसने क्रिएट किए थे, डेवलप किए थे, उनका नाम था रस्मस लड्राप और इन्होंने 1994 को डेवलप किए थे, लेकिन मार्केट में ये आया 1995 में मार्केट में आया। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 7.4.8, लेकिन जो करंट की बात करूँ तो इस समय पीएचपी का जो वर्जन है 8.2 चल रहा है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्न के बाद पॉइंट के बारे में बात करता हूँ कि इस पीएचपी के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो पहला है कि ये पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपर प्री प्रोसेसर। पहले इसका जो नाम था ओल्डेस्ट वह पर्सनल होम पेज था, लेकिन इसका जो बाद में मॉडिफाई किया गया और इसका नाम रखे थे हाइपर प्री प्रोसेसर। सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो यह एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब यह इसमें कंपाइलेशन नहीं होता है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है। और थर्ड की बात करूँ तो ये पीएचपी इज ए फास्टर देन द अदर स्क्रिप्ट लैंग्वेज, यानी जो अदर स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जैसे आपका जेएसपी होगा, एएसपी होगा, उससे फास्टर है। नेक्स्ट पॉइंट, पीएचपी कैन बी एम्बेडेड इनटू द एचटीएमएल, यानी एचटीएमएल के अंदर पूरा का कोड, पूरा कोडिंग स्टार्ट होता है, यानी ये एचटीएमएल की सिंटेक्स के अंदर सब कुछ ये स्टार्ट होता है। लास्ट पॉइंट का कह रहा है कि पीएचपी इज ए सिंपल एंड इजी टू लर्न, ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ फीचर्स का मतलब इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है परफॉर्मेंस। यह पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो जितने भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसे फास्टर है, जैसे आपका जेएसपी हो गया, एसपी हो, उसे फास्टर है। सेकेंड है फेमिलियर टू सिंटेक्स, इसके जो सिंटेक्स है अंडरस्टेबल है, आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थर्ड है एम्बेडेड, एम्बेडिंग मतलब एचटीएमएल पीएचपी की जितनी कोडेड है एचटीएमएल के अंदर आसानी से एम्बेडेड हो जाता है। उसके बाद डेटा सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ये MySQL को सपोर्ट करता है, SQLite और ODBC को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये विंडोज़ के अंदर भी वर्क करता है और मैक के अंदर भी करता है, यूनिक्स और लिनक्स के अंदर भी आसानी से वर्क करता है। नेक्स्ट ईरर सपोर्ट, ये पीएचपी का तो कुछ फ्री डिफाइंड ईरर होता है, जैसे ई वार्निंग, ई ईरर, ई स्टिक, ई फ्रेज। और नेक्स्ट है वेब सर्वर सपोर्ट। वेब सर्वर का मतलब इसके अंदर नेट स्कीम भी यूज होता है सर्वर, और अपाचे भी सर्वर होता है और माइक्रोसॉफ्ट IIS सपोर्ट करता है। लास्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब पीएचपी का जो प्रोग्राम होता है सिक्योर होता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम पीएचपी के प्रोग्राम को कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे लिखेंगे। पहला इसका तो एंगल ब्रिकेट के अंदर होता है क्वेश्चन मार्क पीएचपी और एंगल ब्रिकेट से बंद हो जाता है। किसी भी वर्ड को प्रिंट करने के लिए इको का प्रिंट करते हैं, इसमें वर्ड को या कोई वैल्यू को प्रिंट करना हो तो इको या प्रिंट लगा सकते हैं। प्रिंट का भी यूज होता है और इको, ज़्यादातर इको का प्रिंट होता है। पीएचपी प्रिंट कमांड लगाने का मतलब ये वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन इको जो है वैल्यू रिटर्न नहीं कराता है। जब कोई वेरिएबल को प्रिंट कराना हो तो वेरिएबल को साइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए डॉलर साइन का यूज करते हैं। जैसे प्रोग्राम में लिखा है डॉलर ए और उसमें वैल्यू असाइन कर दिया डॉलर बी में हेलो वर्ड। उसके बाद जैसे आप दूसरी बात बता दूं कि इसमें जो डेटा टाइप होता है वो सपोर्ट नहीं करता है, डायरेक्टली वैल्यू जो डालते हैं वही उसी टाइप का वो डेटा टाइप बन जाता है। अब आते हैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कराने के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं जेम। जेम को पहले डाउनलोड करना बताएंगे और उसको इंस्टॉल करना भी बताएंगे। तो आइए गूगल में मैं टाइप किया जेम और जेम को इंस्टॉल करना बताते हैं, कैसे डाउनलोड करना बताएंगे और उसको इंस्टॉल करना बताएंगे। तो जेम के अंदर दो वर्जन होता है, इसी जैसे यदि आपके सिस्टम में 64-bit सपोर्ट करता है तो उसके लिए आपको 64-bit का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। और ये जो है आपका जेम और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं 64-bit का। अब देखो यहाँ दिया है विंडोज़ के लिए विंडो अपलोड कर सकते हैं, यदि आपके मैक है मैक के लिए, लिनक्स के लिए लिनक्स के लिए, अलग अलग आप विंडोज़ के लिए अपलोड करके बताते हैं। मैंने डाउनलोडिंग लगा दिया है, डाउनलोडिंग शुरू हुआ है।
डाउनलोड होने के बाद उसको इंस्टॉल करेंगे। अब यदि आपके सिस्टम में एक्सिस 32 बिट का यदि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसके लिए आप 32 बिट का जेम इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोडिंग चल रहा है। अब फिर से मैं देखता हूँ 32 बिट के लिए, ये तो 64 बिट का है। यदि आपके सिस्टम में 32 बिट है तो वहाँ उसके लिए आप तो 32 बिट का डाउनलोड करते हैं। तो आइए देखते हैं जेम और 32 बिट, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो PHP को रन कराने के लिए सबसे पहले हमें जेम सर्वर की ज़रूरत पड़ेगा। जेम के अंदर ही भी आपको अपाचे मिलेगा और डेटाबेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए भी हम जेम का ही यूज करते हैं। जेम से ही सब सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब ये भी देखिए 32 बिट का भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। जैसे डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा मैं उसको इंस्टॉल करना बता देंगे, कैसे आप इंस्टॉल करोगे, कैसे उसको यूज करोगे और एक दो प्रोग्राम करके भी दिखा देंगे। तो ये डाउनलोडिंग हो रहा है, अभी कुछ टाइम करता है, वेट करना पड़ेगा। अब इस सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि जो विजुअल स्टूडियो जैम है 32 बिट का, वो नंबर 2090 को ये डाउनलोड किया था, ये रिलीज हुआ और लास्ट अपडेट जो है मार्च 2021 को रिलीज हुआ, अपडेटेड किया गया है इसको। ये जो आपका जैम जो दिख रहा है 32 बिट का, वो 90 मार्च 2021 को अपडेट किया गया था। अभी भी इसको भी मैं डाउनलोड लगा दिया हूँ, डाउनलोड जैसे कंप्लीट होता है मैं इसको इंस्टॉल करना बताता हूँ। अब आते हैं एडिटर की बात करते हैं। तो इसको डाउनलोडिंग कंप्लीट हुआ है, अब इसको हम इंस्टॉल करना बताते हैं कि जेम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो क्लिक करते हैं उसको, ओके करते हैं, नेक्स्ट 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 करते जाते हैं और हमारा जो जैम एप्लीकेशन है स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे कंप्लीट हो जाएगा हम आपको इसको इस पर प्रोग्राम करके एग्जीक्यूट करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये हमारा कुछ वेट करना पड़ेगा आपको जैम इंस्टॉल होने में, और इसके इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जैम क्या होता है, विटामिन ये क्या क्या होता है, ये सब आपको देख सकते हैं। कुछ हिस्ट्री इसके बारे में डिटेल आपको दिखा रहा है कि वेलकम टू जैम, जैम क्या है। तो इसे इसके अंदर अपाचे भी मिलेगा सर्वर और MySQL भी मिलेगा। इनको अलग से आपको MySQL इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर इनबिल्ट होता है। जब भी जैसे कंप्लीट हो जाएगा इस पर सर्वर भी रहेगा और डेटाबेस भी रह जाएगा, क्योंकि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। तो अलग से इसकी कोई अलग से आपको डेटाबेस की यानी MySQL को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में इनबिल्ट रहता है, दोनों काम हो जाए। कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। अब एक और चीज़ बता दूँ, तो ये तो जो एप्लीकेशन है सर्वर साइड है, यानी सर्वर का एग्जीक्यूट कराना हो या क्लाइंट का यूज कराना हो तो इस एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। दूसरी बात, जो PHP की कोडिंग है उस किस एडिटर पर काम करते हैं, यानी कौन सा एडिटर है जिस पर प्रोग्रामिंग हम राइट करेंगे, तो उसी एडिटर का नाम है विजुअल स्टूडियो कोड हुआ और या सबलिम टेक्स्ट हुआ, तो दोनों पर आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, दोनों पर आप कोडिंग कर सकते हैं। तो मैं दिखाऊंगा दोनों इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि दोनों कैसे डाउनलोड होगा, कैसे इंस्टॉल होगा और कैसे उस पर वर्क करेंगे, कैसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे प्रोग्राम को, राइट कराएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, हम एडिटर की बात करता हूँ। तो पहला हम एडिटर डाउनलोड कर रहे हैं सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट के थ्रू हम प्रोग्राम को एडिट करेंगे, राइट करते हैं। और मैंने इसको डाउनलोड लगाने के लिए इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करना बताते हैं। डाउनलोड जैसे कंप्लीट हो जाएगा हम उस पर एक छोटा सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा के दिखाएंगे। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के, फ्री ऑफ कास्ट है, ओपन सोर्स है। तो 64 बिट का भी कर सकते हैं, 32 बिट का भी कर सकते हैं, जो आप आपका सिस्टम सपोर्ट कर रहा है उस पर आप कर सकते हैं। तो जैसे ही ये इसका भी डाउनलोडिंग कंप्लीट होगा मैं उसको इंस्टॉल करना बता देंगे और उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना बता देंगे कि PHP का प्रोग्राम
कैसे कर सकते हैं। इस एडिटर पर HTML की जितने भी कोडेड है, HTML, CSS, JavaScript आप आसानी से कर सकते हैं और PHP का आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि PHP जो है HTML के अंदर एम्बेडेड होता है। यह डाउनलोडिंग कंप्लीट होगा उसको हम इंस्टॉल करना बता देंगे। आपका डाउनलोडिंग हो रहा है और कंप्लीट होने वाला भी है। कंप्लीट होने के बाद हम तुरंत उसको इंस्टॉल करना बता देंगे। और हाँ, कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम एक्सक्यूट करते हैं। मैं VS कोड भी लगा दिया और सब लाइव टेक्स्ट भी लगा दिया था, तो दोनों को हम रन करा के दिखा देते हैं। यहाँ से आपका सब लैम्प टेक्स्ट है, उसको हम इंस्टॉल करना आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉल करने के लिए मैं क्लिक करते बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब आपका इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है। ये VS कोड है और इसके बाद मैं सबलाइम टेक्स्ट को भी इंस्टॉल करके बता देता हूँ और उस पर आपको एक छोटा सा प्रोग्राम भी राइट करके एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। तो हमारा VSP कोड इंस्टॉल हो गया, अब बचा है हमारा सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल होने के बाद मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता हूँ, PHP के प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता हूँ। कहाँ पर लिखेंगे, कैसे इसको स्टोर करेंगे, किसके अंदर सेव करेंगे प्रोग्राम को, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट पर जाएंगे, वहाँ से हम देखेंगे सबलाइम टेक्स्ट हमारा कहाँ है। तो यहाँ दिख रहा है सबलाइम टेक्स्ट, इसको ओपन करते हैं। दूसरा VS कोड को भी हम इंस्टॉल करते हैं, वो इंस्टॉल होता रहे और मैं अपना काम करता रहूं। ये VS कोड है यानी विजुअल बेसिक कोड। इस एडिटर पर भी हम PHP का प्रोग्राम कर सकते हैं, HTML, CSS सब का प्रोग्राम कर सकते हैं, जितने भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे आपका PHP हो गया, CSS, HTML हो गया, CSS हो गया, JavaScript होगा, इस एडिटर पर आसानी से हम कर सकते हैं। ये भी VS कोड भी आपका इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल, हाँ, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कि PHP के प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, कहाँ पर इसको सेव करते हैं और कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं बताया था कि PHP आपका स्क्रिप्टिंग सर्वर साइड स्क्रिप्ट रहेंगे, यानी इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगा। तो डायरेक्ट ये ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होता है क्योंकि लोकल सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये सर्वर का मतलब ये ब्राउज़र पर ही आपको आउटपुट दिखेगा। ये दोनों एडिटर इंस्टॉल हो गए, आप जाते हैं जैम को कैसे यूज़ करते हैं, तो जैम ओपन करेंगे, उस पर जैम कंट्रोल पैनल पर जाते हैं, उसको इसमें अपाचे और मैं स्कूल को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद इसको आप कट कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखते दिखाते हैं कि हम प्रोग्राम को कहाँ सेव करेंगे। तो जाएंगे हम लोकल DC में और जैम को ओपन करेंगे। जैम के अंदर एक फोल्डर होता है ST Docs को ओपन करते हैं, वहाँ पर हम फोल्डर को बनाते हैं और सारा प्रोग्राम हम यहीं पर सेव करते हैं। तो यहाँ पर एक मैं फोल्डर बना के दिखा रहा हूँ और इसी के अंदर जितने भी प्रोग्राम होगा PHP का, इसी फोल्डर के अंदर सेव होगा। तो इसमें हम एक फोल्डर बनाते हैं, PHP ट्यूटोरियल के नाम से बनाते हैं। फोल्डर हमने बना दिया, कहाँ गया मैं, जैम के PHP ट्यूटोरियल है, पर ट्यूटोरियल के नाम से मैं एक फोल्डर बनाऊंगा और इसी में पूरा का पूरा हम जितना भी PHP का प्रोग्राम बनाएंगे उसको। अब आते हैं सबलाइम टेक्स्ट पर जाते हैं और इसके फाइल में जाते हैं, ओपन फोल्डर कहते हैं जो मैंने फोल्डर बनाया था। फिर दोबारा मैं टर्बो लोकल C में जाएंगे और वहाँ पर जैम के अंदर जाएंगे और जैम के अंदर हम ST Docs के अंदर जाएंगे। अब ये ST Docs के अंदर जाएंगे, वहाँ पर हम सर्च करेंगे अपना फोल्डर PHP ट्यूटोरियल को क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर को कर देंगे। तो ये फोल्डर हमारा सबलाइम टेक्स्ट से सिलेक्ट हो जाएगा, लोड हो जाएगा। अब इसी में जो भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करना है, ये हमारा PHP ट्यूटोरियल सबलाइम टेक्स्ट के अंदर लोड हो गया। अब इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, उस फाइल का नाम है index.php। इंजेक्स डाक यदि HTML डालेंगे तो HTML के नाम से प्रिंट होगा, लेकिन हम PHP का कोडिंग कर रहे हैं तो index.php के नाम से सेव कर देते हैं। हमने फाइल को
सेव कर दिया और इसमें हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताया भी था कि जो पीएचपी है एचटीएमएल के अंदर एम्बेडेड है, यानी जो कोडिंग होगा एचटीएमएल के अंदर ही होगा। तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं और हमारा देखो सबसे पहले लिखा है पीएचपी ट्यूटोरियल, उसके अंदर एक फाइल बनाया है, उस फाइल का नाम है इंडेक्स डॉट पीएचपी। ये स्टार्ट करते हैं, जैसे ही एचटीएमएल प्रिंट करेंगे पूरा कोडिंग हमें आ जाएगा, यानी ज़्यादा इसमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें हेल्प मिलता है, इसलिए हमने सबलाइन टेक्स्ट का यूज किया है। ये एचटीएमएल का कोडिंग है और इसके अंदर एक छोटा सा मैसेज को पास करता हूँ, हेलो वर्ड को प्रिंट करता हूँ और उसको हेडिंग टैग के अंदर बना देता हूँ और इसके अंदर एक मैसेज पास करता हूँ हेलो वर्ड। ये जो कोडिंग है एचटीएमएल का कोडिंग है, अभी मैं पीएचपी का कोडिंग नहीं कर रहा हूँ और इसको मैं एक्सक्लूड करके दिखाता हूँ, रन करके दिखाता हूँ तो आप कैसे ब्राउज़र के थ्रू इसको एक्सक्लूड करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया और इसको मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल यस प्रिंट करेंगे तो आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। और इसको चलते हैं ब्राउज़र पर, क्या करते हैं यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ से लिखा है ओपन क्लास फाइल और ब्राउज़र में इसको पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो जेम इंस्टॉल है कि नहीं इंस्टॉल है। तो ब्राउज़र में लोकल होस्ट लिखकर इंटर प्रेस करते हैं, तो यदि जेम इंस्टॉल होगा तो जेम पूरा आपको दिखेगा, ये जेम का पूरा पेजेज है, पहला पेजेज है। इससे पता चलता है कि जब हमने हमारे सिस्टम में हमारे लैपटॉप में जेम इंस्टॉल हो गया है। अब कोई भी प्रोग्राम को एक्सक्यूट कराना हो तो सबसे पहले लोकल होस्ट डालते हैं और उसका पाथ यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले लोकल होस्ट आएगा और फिर पीएचपी ट्यूटोरियल और इंडेक्स डॉट पीएचपी फोल्डर का नाम पास करते हैं और फाइल का नाम पास करते हैं, इससे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है डायरेक्ट। अब देखो होल, यदि इस ब्राउज़र को हम इंस्पेक्ट करते हैं तो इसका पूरा कोडिंग हमें दिखेगा, यानी एचटीएमएल के अंदर जो भी प्रोग्राम करेंगे तो हमें पूरा का पूरा कोडिंग दिखता है। लेकिन पीएचपी की बात करूँ तो पीएचपी भी हमारा पूरा कोड नहीं दिखेगा क्योंकि पीएचपी सिक्योर होता है। तो एचटीएमएल में जैसे इंस्पेक्ट किया पूरा कोडिंग दिखेगा, कोई भी यूजर इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकता है, इसीलिए एचटीएमएल जो है सिक्योर लैंग्वेज नहीं है लेकिन पीएचपी जो है सिक्योर लैंग्वेज है। अब इसी को हम देखते हैं पीएचपी में कोडिंग करके और हम उसको यदि इंस्पेक्ट करते हैं तो वहाँ हमें जो कोडिंग पीएचपी के अंदर होगा वो हमको दिखेगा नहीं। तो आते हैं फिर सबलाइन टेक्स्ट में और फिर वहाँ से देखते हैं एक पीएचपी का कोडिंग करते हैं। पीएचपी का कोडिंग के लिए मैं बताया था कि एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क और पीएचपी फिर क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट बंद करते हैं। तो ये पीएचपी का सिंटेक्स है, यानी जो भी कोई सिंटेक्स या कोई भी लाइन या कुछ भी लिखना हो तो इसी के अंदर लिखते हैं। आइए इसी के अंदर एक वही सेम टू सेम मैसेज पास करते हैं हेलो वर्ड और ई को मैं लिख दिया और मैसेज को लिख दिया हेलो वर्ड। इस प्रोग्राम को वही सेव करते हैं कंट्रोल यस और फिर ब्राउज़र में जाते हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, इसको सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी ब्राउज़र में जाते हैं और ब्राउज़र को देखते हैं कि हमारा आउट रिजल्ट आएगा। जैसे इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारा आउटपुट आ जाता है। अब जब इस ब्राउज़र को हम इंस्पेक्ट करेंगे तो जो सेकेंड वाला हेलो वर्ड है वो जो कोडिंग होगा वो दिखेगा नहीं कि हमारा किस लैंग्वेज में ये कोड लिखा गया है। अब जैसे यहाँ दिख रहा है तो यहाँ जो नेक्स्ट वाला हेलो वर्ड ये पता नहीं चलेगा कि यह प्रोग्राम किस लैंग्वेज में किया गया है। लेकिन यदि एचटीएमएल होगा तो एचटीएमएल का पूरा कोड टैग भी दिखेगा, लेकिन कोडिंग पीएचपी की बात करूँ तो पीएचपी में हमको नहीं दिखेगा। अब आते हैं इसमें जब कोई वेरिएबल यूज करना हो पीएचपी के अंदर तो वेरिएबल लिखने से पहले डॉलर साइन का यूज करते हैं, यानी डॉलर से ही हम कोई वेरिएबल को डिफाइन करते हैं पीएचपी के अंदर। जब तक डॉलर लगाएंगे नहीं तब तक वो वेरिएबल एग्जीक्यूट नहीं, एरर बताया गया, वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जो इसमें डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है, यानी जो वैल्यू डाल देंगे वही उसका डेटा टाइप बन जाता है, यानी पर्टिकुलर ये मेंशन नहीं करते हैं कोई वेरिएबल का कि वो वेरिएबल किस का कौन सा डेटा टाइप है, वेरिएबल का जो डेटा टाइप क्या है तो मेंशन नहीं करते हैं। जैसा वैल्यू रहेगा वैसा ही वो डेटा टाइप बन जाता है। यदि वेरिएबल के अंदर इंटीजर पास करते हैं तो इंटीजर को पास करता है। और
स्ट्रिंग को पास करते हैं तो वो स्ट्रिंग टाइप का बन जाता है, पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट के वैल्यू को पास करते हैं तो फ्लोटिंग टाइम बन जाता है, यानी डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा वैल्यू हम असाइन करेंगे वैसा ही वो वैल्यू बन जाता है। अब मुझे अब कुछ एरर है जो डॉलर ए का वैल्यू मैं असाइन किया था वो उस पर कुछ एरर है, देखते हैं क्या चीज़ एरर। तो सेमी कॉलन मैंने छोड़ दिया क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेटमेंट को कम्प्लीट होता है तब जब सेमी कॉलन लिखते हैं, तो सेमी कॉलन छूट जाने से कारण हमारा प्रोग्राम एरर था। अब प्रोग्राम हमारा एक छूट हो गया और ए का वैल्यू आ गया, इससे हमारा प्रोग्राम कम्प्लीट होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।